प्रतिदिन टॉप 10 करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करिए। चलिए आज का इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन है? एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं 256 मिलियन, जो कि भारत में और एशिया में सबसे अधिक है। ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं 57.1 मिलियन। फेसबुक पर इनके फॉलोअर्स हैं 51 मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों का कोच किसे नियुक्त किया है? हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों का कोच किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमन क्रुइस को। हरमन क्रुइस, नीदरलैंड के हरमन क्रुइस को। नितिन अग्रवाल जो हैं BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। सुमित सेठ जो हैं पनामा में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, 18 साल 125 दिन में किए हैं पार। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा हरमन क्रुइस, नीदरलैंड के हरमन क्रुइस कोच बने हैं। महिला जूनियर वर्ल्ड कप जो होगा 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक सेंटियागो में होने वाला है। पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप जो है 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अमित झिंगरन को किस इंश्योरेंस कंपनी का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? अमित झिंगरन को किस इंश्योरेंस कंपनी का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2001 में। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया? किस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। बार बार कदाचार करने के लिए या कदाचार के आरोप में इनको निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत दक्षिण एशिया में कौन से स्थान पर है? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत दक्षिण एशिया में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठे स्थान पर है भारत। 43% स्कोर के साथ भारत जो है छठे स्थान पर है। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड, भूटान जो है, भूटान दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है 58% के साथ। बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है 51% के साथ। मालदीव तीसरे स्थान पर है 50% के साथ। श्रीलंका जो है चौथे स्थान पर है 47% के साथ। नेपाल पाँचवें स्थान पर है और भारत जो है छठे स्थान पर है 43% के साथ। छठा प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड, किस राज्य में स्थित पारादीप बंदरगाह 2023 में 50 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि MTT कार्गो संभालने वाला सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह बना है? किस राज्य में स्थित पारादीप बंदरगाह 2023 में 50 मिलियन मीट्रिक टन MTT कार्गो संभालने वाला या हैंडल करने वाला सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह बना है? तो यह कहां पर है पारादीप बंदरगाह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड, 2023 में पारादीप बंदरगाह ने 942 जहाज़ों को हैंडल किया है 129 दिन में। 2022 में 812 जहाज़ों को हैंडल किया था 140 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में यानी कि क्लास में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने होमोसेक्चुअलिटी यानी समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? किस देश ने होमोसेक्चुअलिटी समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। इराक इज द राइट आंसर। इराक की राजधानी है बगदाद। इससे पहले जेंडर शब्द के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दिया है इराक ने। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया है या प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल इज द राइट आंसर, केरल विधानसभा ने। डिटेल में देखते हैं, केरल से केरलम करने का आग्रह किया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दुनिया में इनके भागीदारी के लिए, इनको जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड, 2023 का थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल, एक सतत विकास की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, यानी कि उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को पसंद होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।